ओके गहना जी, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले 3 AM थॉट्स, क्या सोचती हैं आप 3 बजे, अगर उस बारे में कुछ पता है? सबसे 3 बजे तो मैं बहुत कुछ सोचती हूँ, लेकिन लोग मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा सोचते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब आप 3 AM अपना एक एनजाइटी होती है सम टाइम्स, आप बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप अगर स्कूल में हैं तो कई बार आप अपनी एजुकेशन, बहुत सारी लड़कियाँ अपने बॉयफ्रेंड्स, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में, जो एक लव लाइफ जो मिसिंग होती है, सपनों के बारे में, एक 3 AM ऐसा टाइम होता है ना जब आप सिर्फ अपने लिए होते हैं। उस समय आपके आसपास कोई नहीं होता, सारी दुनिया अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी होती है, तो वो टाइम सिर्फ आपका होता है। आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं, जैसे आई जस्ट गॉट टू नो कि प्रिया इज जस्ट 18, सो जब मैं 18 साल की थी, मैं IIT की प्रिपरेशन कर रही थी, और 3 AM मुझे याद है, मुझे हमेशा इस बात का टेंशन होता था कि मुझे आगे पढ़ने मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे बाहर जाने मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं 12th से बाहर जाऊंगी तो मुझे कौन सी कॉलेज मिलेगी। फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज में पहुंची तो मुझे लगता था मेरा कैंपस प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। फिर उसके बाद जब मैं 3rd ईयर में थी तो मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की, तो मुझे ऐसा लगता था मुझे बड़ी फिल्म मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं मुंबई कब पहुँचूँगी, जब मैं मुंबई पहुँचूँगी तो मैं क्या करूँगी, कौन मुझे काम देगा कौन नहीं देगा। तो ज़िंदगी में ये जो 3 AM है ना, ये हमेशा आपके साथ रहता है। समय बदलता है, ईयर्स बदलते हैं, आपकी शक्ल बदल जाती है, आपके रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन ये जो 3 AM है ना आपकी लाइफ में कभी नहीं बदलता। आज भी मुझे याद है जब मैं 3 AM सो रही थी तो मुझे लगा यार अब व्हाट्स नेक्स्ट, लाइफ में इतने सारे रायते जो मैंने फैला दिए हैं ये खुद फैल गए हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हो रही, अब मैं क्या करूँगी। तो ये जो 3 AM होता है ना, वो सिर्फ आपका होता है, अपना होता है, और आप पूरी दुनिया के बारे में छोड़कर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि मुझे मीडिया कॉन्ग्रेचुलेट करे, क्योंकि मुझे सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई मेरे एक मैटर के लिए। 3-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उस मैटर के लिए मुझे लोअर कोर्ट, सेशंस, हाई कोर्ट, सब जगह मेरी एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो गई थी फॉर सेम मैटर। सो फाइनली मुझे उसकी बेल मिली फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। एंड अभी रिसेंटली मैंने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम है गैगी, जो कि लॉन्चवेयर ब्रांड है, वो बहुत अच्छा चल रहा है। और जैसे कि ये 3 AM थॉट है, जैसे हर किसी के अपने अपने थॉट्स होते हैं, इसी पे मैंने अपना एक चैनल लॉन्च किया है, द गहना शो, जहाँ पे मैं हर किसी की जर्नी कवर करती हूँ, और हर किसी की अपनी जर्नी है, हाँ, चाहे वो मीडिया वाले हों, चाहे प्रिया हो, चाहे मैं हूँ, या कोई बहुत बड़ी टॉप एक्ट्रेस हो, या कोई भी हो। सो यहाँ पे मैं हर किसी की जर्नी, जब उसने पहला अपना सपना शेयर किया था विद हर पेरेंट्स, आज वो कहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं मेरे चैनल पे कवर करती हूँ, एंड अच्छा चल रहा है। एंड एक और मैंने ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है शो एक्स, जहाँ पे मैं बैक टू बैक वेब सीरीज़ और फिल्म्स बनाती हूँ, मैं उसकी इंडिविजुअल ओनर हूँ। तो मैं पहले बता दूँ, बाद में जब आप लोग कुछ मुझसे पूछें तो आपको पता होना चाहिए। सो दैट इज़ माई ओन ऐप, और उसके लिए मैं बैक टू बैक फिल्म्स डायरेक्ट कर रही हूँ, प्रोड्यूस कर रही हूँ, और कभी कभी एक्टिंग भी कर लेती हूँ।